इन्हें बोलो यहाँ से जाए। बात बहुत छोटी सी है, उसके लिए इतना बड़ा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। कम आलिया इधर आओ। सॉरी डैडा, मैं कभी नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस कभी नहीं करूंगी। अच्छा ये बताओ, आप गुड गर्ल हो ना, और गुड गर्ल ऐसा करते हैं क्या? तो आप ये सारा सामान रिटर्न कर देना, और जिन लोगों से भी आपने सामान लिया उनको सॉरी बोल देना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आलिया, अगर अंदर भी कुछ है ना, लेके आओ, हम वो भी सबको वापस करें, ठीक है? जाओ जाओ। ये क्या तरीका है? कम एकम, मैं कुछ पूछ रही हूँ। इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हो? अरे तुम ओवररिएक्ट कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने घर में पुलिस बुला ली। हालत देखी थी आलिया की, कितना डर गई थी वो। माना उसे अपनी गलती का एहसास करा रहा, पर इस तरह तुम मुझे तरीका सिखाओगी? एकम, मैं ये तरीका सिखाओगी तुम मुझे? जो लेसन उसको आज मिला है, उसके बाद वो चोरी कभी नहीं करेगी। आज कम से कम उसे ये पता लग गया कि चोरी करना सही बात नहीं, और चोरी करने के बाद रिजल्ट जो होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो जैस्मिन मसीह पुलिस के अंदर होंगी ना? अब तो उन्हें हाई सिक्योरिटी में रखा होगा। एकम, मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर मुझे आलिया के लिए डर लगता है। हमें थोड़ा और ध्यान से रहना होगा। वो जैस्मिन मासी कुछ भी कर सकती है, और बस मुझे आलिया के लिए डर लगता है। मेरी बात सुनो, रिलैक्स, मैं आलिया का पूरा ध्यान रखूंगा। जैस्मिन आंटी को उस तक पहुंचने नहीं दूंगा। मत के साथ इतना सब कुछ हुआ है कि वो अपने प्यार को, इस रिश्ते को दूसरा मौका देने से भी डर रही है। रब ने इन्हें साथ तो कर दिया, पर पता नहीं ये साथ कब होंगे, और होंगे भी या नहीं। हम उन्हें एक करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना? जैसे सोचती हूँ कुछ। उतर उतर उतर, कार नहीं जाना? मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। लगता है बेचारी को किसी ने घर से निकाल दिया। हम सब जत्थे के साथ लुधियाना जा रहे हैं, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। तू भी हमारे साथ चल, वहां मत्था टेक, देखना सब ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी केस था कि तुम मुझे बता के भी नहीं जा सकते थे। अरे रिलैक्स, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं, वो एक बॉम्ब। जब वहां था तो मुझे सिर्फ एक ही ख्याल था कि जल्दी से मुझे अपनी बेटी और वाइफ के पास जाना। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, आंखें बंद करो, करो। I love you.
कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने किसी की कोई जगह नहीं छीनी, बल्कि जो तुम्हारी जगह थी वो तुम्हें वापस मिली। आपका कोई कर्जा रहा होगा तुम पर जो उसने तुम्हें वापस कर दिया। और हरलीन का क्या? उसका भी तो कोई कर्ज होगा ना रब पे। एकम, वो अभी भी तुम्हारी वाइफ, बल्कि वो ही तुम्हारी लीगल वाइफ है। मुझे जो ये सब मिला, फैमिली, खुशी, वो सब रब की देन नहीं थी, वो हरलीन का उधार था। और मुझे नहीं पता मैं हरलीन का सामना कैसे करूंगी। कहाँ जा रहे हो? जाने के बाद नेमत और एकम ने शादी कर ली। एकम और नेमत ने शादी कर ली? उन दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हाँ हरली, तेरे जाने के बाद बेचारी आलिया ने तुझे हर पल बहुत याद किया। बस इसी बात का फायदा उठा के उस नेमत ने एकम और आलिया दोनों को हत्या लिया। जरूर जाने ने किसी को कुछ सोचने समझने का मौका तक नहीं दिया। नेमत ने एकम से शादी कर ली। मैंने कहा वो नेमत से बहुत अटैच हो गई है बस। अरे ये तो नेमत को पूछना चाहिए कि तुम किस हक से हो। हरलीन बेटा तू बात सुन मेरी, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तेरी मॉमजी है, मैं सब कर दूंगी। मैं चाहे खुद अभी जेल में हो लेकिन बाहर आज भी मेरा ही सिक्का चलता है। और अब तो हाय, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आलिया तो छोटी बच्ची है, उसे क्या पता कि ये क्या हो रहा है। हम तो बड़े हैं ना, हमें हरलीन से बात करनी पड़ेगी, ये सब गलत है। हरलीन को बताएंगे कैसे कि एकम और नेमत की शादी हो गई है? मैं बात करूं, मुझे ये मंजूर नहीं कि नेमत के साथ एक बार फिर से गलत हो। हरलीन से कोई कुछ नहीं कहेगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर हमने उसे ये बताया उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हरलीन ये एकम की वाइफ है, हरलीन के वापस आने के बाद कानून की नजर में भी मेरी और एकम की शादी कोई मायने नहीं रखती। आप सब मेरी ताकत हो, आप कमजोर मत बनना मेरे लिए, आलिया के लिए। आलिया के लिए हमें ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नानी। थापा दे देश मैं नवा उडारी हूँ।